नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। यस बैंक लगातार खबरों में है, 5 मार्च से कुछ ज्यादा ही। लेकिन बैंक से संबंधित लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। यस बैंक ने ट्वीट किया है कि वो अपने बैंकिंग सेवाओं को फिर से शुरू करने जा रहा है 18 मार्च से। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने यस बैंक की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर उसका कामकाज अपने हाथ में ले लिया है। यस बैंक ने लिखा, हम बुधवार 18 मार्च 2020 को शाम 6 बजे से सभी बैंकिंग सेवाओं को फिर से शुरू करेंगे। इसके लिए आप 19 मार्च 2020 से हमारी 1132 ब्रांच में से किसी पर भी आएं, आप हमारी सभी डिजिटल सेवाओं और प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच सकेंगे। यस बैंक के इस ट्वीट से अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही यस बैंक के ग्राहक 50,000 से ज़्यादा रुपये भी निकाल सकेंगे। इससे पहले 13 मार्च को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यस बैंक को लेकर कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI यस बैंक के 49% शेयर खरीदेगा। इसमें से 26% शेयर 3 साल के लिए लॉक इन होंगे, यानी SBI 3 साल तक अपनी हिस्सेदारी 26% से कम नहीं कर पाएगा। बाकी निवेशकों में से भी यस बैंक के शेयर खरीदने के लिए बात की जा रही है। दूसरे निवेशक अपनी 75% हिस्सेदारी 3 साल तक नहीं बेच पाएंगे। रिकंस्ट्रक्शन योजना का नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन बाद यस बैंक पर लगी पाबंदियां भी हट जाएंगी। एक और अच्छी खबर यह है कि यस बैंक के शेयर भी अब संभलते नजर आ रहे हैं। 6 मार्च को यस बैंक के शेयर गिर कर 16.15 रुपये तक पहुंच गए थे। 5 मार्च को इसके शेयर की कीमत 36.8 रुपये थी। अब 16 मार्च को शेयर की कीमत चढ़कर 36.5 रुपये तक पहुंच गई है। RBI ने 5 मार्च को यस बैंक का काम अपने हाथ में ले लिया था। साथ ही बैंक के खाताधारकों के पैसे निकालने की लिमिट भी 50,000 रुपये तक कर दी थी। ये पाबंदी 3 अप्रैल तक के लिए है। उस समय RBI ने कहा था कि यस बैंक की समस्या का 30 दिन में हल निकाल लिया जाएगा, और जो हल निकलता दिख भी रहा है। इसमें आगे जो अपडेट आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर हमारा एक नया पेज आया है लटक नाम से। अगर आप कहानी और कविताओं के शौकीन हैं तो उस पेज को ज़रूर फॉलो करें। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।